Angela. Yeah. YouTube में आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, सब सर लोगों की कृपा है।
जब से मैं मतलब इंदौर आया, इंदौर में 3 से 4 साल रहा, बस मैं भी बहुत टफ, बहुत बहुत नीचे लोग में था, मैं भी रटता था हर चीज जो भी मैं सीखा हूँ सब सर लोग की वजह से। और भगवान मतलब भगवान को मैं मानता था, भगवान सर लोग भगवान को होते ही है, मैं मंदिर भी जाता हूँ। बस यहाँ मैं तो आंख मूंद के नहीं सोते हुए विश्वास करता हूं मैं। और मैं ये बता चाहता हूं, और सर जो बोलते हैं मैं वो 100% तो नहीं कर पाता, लेकिन 100% करने की कोशिश करता हूं। और ये मेरे मतलब जीने का भगवान है, और भगवान को नमन करता हूं, और जितने भी मेरे टीचर हैं सबको तहे दिल से सबसे अच्छा सपोर्ट आ मेरे दोस्तों को जब मैं चालू किया चैनल, बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, फिर उसके बाद टीचरों को पता चला, टीचर भी सपोर्ट करे, और ऐसे टीचर सीखो वालों से मिला करते हैं। मैं भी कोचिंग तभी आता हूँ जब हमें इनके गाइडेंस की जरूरत आज आ गया ना, 10 दिन के लिए मेरे को डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, 10 दिन बाद फिर आऊंगा, फिर इनका आशीर्वाद लूंगा, फिर चला जाऊंगा। हैप्पी टीचर डे, और टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया है और जो हमें सिखा रहे हैं। दो साइड होते हैं, उसने जो बोला उसमें भी दो साइड होगी, आधे लोगों को झूठ आधे लोगों को सच, सारी बात मानने की है। वो जो बात है वही तो कह रहा हूँ कि हर बात के दो पक्ष होते हैं, वो खुद भी बोला है उसके भी दो पक्ष है। जो भी बात इंसान बोलेगा तो या तो वो सही या गलत, तो पहली बात तो सही गलत दुनिया की बात है, पहले खुद के लिए, पहले खुद के लिए कि खुद किसको सही मानता है किसको गलत मानता है। क्योंकि हर इंसान जो मानता है वो बोलते वो अलग बात है, जो मानता है जिसको सही मानता है वो सही बोले क्यों सही करे तो अलग अलग बात हो जाती है। इसलिए ठीक है, हर दुनिया में जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें भी हैं, उतने तरह के पक्ष हैं, आपको अपना पक्ष रखना है बस। अगर ये सोचोगे कि उसको क्या लगता है उसको क्या लगता है उसको क्या लगता है तो बोल नहीं पाओगे, कभी बोल ही नहीं पाओगे लाइफ में कहीं भी। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, पार्लियामेंट देखा किसी ने कभी, चलते देखा उसके अंदर कई बार तो ऐसा तुम्हें ऐसा लगेगा मिटली के लिए आदमी बकवास करता है, कुछ भी पता नहीं, पर वो बैठा है, इतने लोगों ने उसको सेलेक्ट किया, वो वहां जाकर बैठा है और वो बोले जा रहा है और लोगों को सुनना पड़ता है, और कई बार नहीं भी सुनते लोग, डिस्टर्ब करते रहते बोलने वाले, चाहे वो कितना अच्छा बोल रहा हूँ। ये सब तरह के लोग हैं दुनिया में, आपको बस ये कि हर किसी की बात सुन के उसमें से अपने काम की बात वो निकाल लेनी है, ठीक है। और जिसको नहीं सुनता तो वो अच्छे लोगों को भी नहीं सुनता, बुरे को भी नहीं सुनता, जो सुनता ही नहीं फिर वो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला तो क्या बोल रहा है, वो तो उसके पास जो है वो बोल दिया उसने, अब तुम्हें उसके काम का चीज क्या है वो तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो मैं तो कुछ कहना नहीं चाह रहा था, तुम्हें पूछ दिया आज तो तुम्हें कुछ कहना है भाई, आज तो अगर तुम कुछ कहना चाहो कुछ कहोल।
ओनली टू होता है नहीं पहली आई यू ओनली यू देखिए भाई आप इतने सारे लोग आए हो और आप सब लोग मेरे लिए जैसे ठीक है हर साल ले जाता है पर हर साल कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होता है जैसे आप लोगों से आप लोगों को मैं बोलूंगा भी सही डांटूंगा भी सही कभी प्यार से भी समझाऊंगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है आप मुझे बड़ा भाई मान सकते हो अपना ठीक है उस तरीके से अगर आपकी जगह मेरा कोई भाई भी बैठता तो मैं उसको भी इसी तरह डांटता तो मुझे लगेगा कि इसने ध्यान नहीं दिया अभी भी पूछ रहा है मेरे से तो मैं उसको उस बात के लिए डांटता तो मैं वो काम करूंगा जब मुझे लगेगा आपको डांटना है आपको मना करना किसी चीज के लिए वो भी करूंगा मैं करता ही हूँ मुझे नहीं बताना होगा नहीं बताता मुझे मालूम तुमने ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं फायदा ही नहीं तो अपने भाई को भी ऐसे करता था अपने भाई के लिए भी ऐसा ही किया मैंने मैंने उसको भी इसी तरीके से पढ़ाया जब पढ़ाया उसने जब उसने ध्यान दिया तो ठीक है नहीं दिया तो मैंने उसको उस तरीके से डांटा भी है और अभी भी अब तो वो इतनी एज होगी उसकी अभी भी मैं उसको डांटता हूँ अभी भी मतलब उसकी एज कभी उसकी एज है लगभग 30-31 उसकी एज अभी वो अभी भी मैं डांटता था मतलब उसको अभी भी डांटता हूँ मैं ठीक है तो ये तो है देखो अगर आप कुछ गलत करोगे आप मतलब मुझे लगेगा कि आप अपने सीरियस तक नहीं जा रहे या जो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप ऐसा करोगे और आप उसके को दिक्कत नहीं रहे तो हर इंसान डिजर्व करता है हर इंसान जिस काम के लिए मेहनत करता है उसमें कुछ ना कुछ पाने के डिजर्व करता है पर जितना पाने के डिजर्व करता है या तो अपनी मेहनत नहीं करता या वो कष्ट करके नहीं जा रहा तो दुख होता है हर इंसान इंजीनियर बनने वाला नहीं है बात पक्की है हर इंसान इंजीनियर नहीं बनने वाला पर यहाँ आपको एक ही चीज सिखानी है मैं बस ये चाहता हूँ ये चीज सीख लो कि जो सामने है उसमें मेहनत कर लो मेरे फिर मैं शुरू से इसी कॉन्सेप्ट विश्वास करता हूँ कि जो सामने है उसमें मेहनत कर लो अगर ये सीख गए तो लाइफ में तुम कहीं रुकू कोई नहीं जरूरी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कोई छोटी चीज है इंजीनियरिंग तो ठीक है बहुत सारे लोग कर लेंगे कोई आई आई टी से कर लेगा कोई रेडी से कर लेगा कोई ट्रिपल आई टी से कर लेगा कोई नॉर्मल रीजनल कॉलेज से कर लेगा कोई नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कर लेगा बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं कोई इंजीनियरिंग करना कोई बेटर है ही नहीं कोई बड़ी बात ही नहीं बड़ी बात है कि जो आपने सोचा उसके लिए मेहनत की वो मिला नहीं मिला वो अलग चीज है पर रेगुलर तौर पर वो भी मिलेगा पर वो आगे की बात है क्योंकि आपने किया तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है मिलने वाला कोई रोक नहीं सकता उससे जो आपने मेहनत करी है ठीक है आपने हो सकता है इसी की मेहनत करी इसी में नहीं हो पाया किसी चीज से एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है कोई होता है आई आई टी वाले किसी बीमार पड़ गया कुछ भी होता है सारा मेहनत कर पर वो जो आपने मेहनत करी है वो बेकार नहीं रहेगी वो मेहनत आपको आगे भी सक्सेस दिलाएगी और आगे उससे बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको ये ध्यान रखना मतलब अगर आप कई लोगों को लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी है जिसने मेहनत नहीं करी वो टेंशन ले गई उसको पता है यार कुछ होना ही नहीं पर जिसने मेहनत करी उसके बावजूद उसको आईआईटी नहीं मिला या आईआईटी में भी एक्सपेक्टेड कॉलेज नहीं मिला कई लोग आईआईटी में पहुंच जाते हैं पर उनको लगता है यार मुझे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था कोई तो मुंबई आईआईटी मिलना चाहिए दिल्ली मिलना चाहिए था कोई दूसरा मिल गया तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने जो किया आपको मिला अब आपको और भी बेस्ट करना है आप अपना बेस्ट करो आपको वो कोशिश करनी जो सामने आया उसको बेस्ट करो अभी सामने ये है इसमें बेस्ट करना है फिर आगे जाओगे कुछ और आएगा वहां बेस्ट करना है पर ऐसा करते रहोगे तो आप जो चाहिए आपको वो दूसरे रास्ते से मिलेगा आपको जो रास्ता आपने देखा था जो आपको लगा था यहाँ से जाऊंगा वो नहीं वो दूसरे रास्ते से मिलेगा आपको पता भी नहीं होगी वो आपको जब मिलेगा पता लगेगा तब आप रियल अगर पास्ट में सोचोगे उस टाइम जाके तो आपको लगेगा कि ऐसा फिर आपको अपने स्टूडेंट के बारे में बताया था आपको हर बार बताता हूँ उसके बारे में देखते लोगों को जो क्लास में बिलो ज्यादा दल का फोन आएगा आपने तो आपको 10 बजे का फोन आया मेरे पास वो भी हैदराबाद में मैंने आपको बताया होगा सर ये मैंने बोला था क्लास में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन था वो आईआईटी खड़गपुर में था और 11th क्लास में स्टूडेंट आया था मेरे पास जो पढ़ाई में इतना मतलब बहुत वीक था मतलब जो लोग मानते हैं कि पढ़ाई में बहुत कम जो जिसको 3 बार समझा रहे समझ में नहीं आता उसकी मम्मी भी परेशान थी उसके पापा सब परेशान थे कि इसका क्या होगा वो कहता था मुझे आईआईटी करनी और उसके घर वाले बोलते सर ये जो किसी तरीके से 3 महीने में निकल जाए बहुत बड़ी बात हम लोग उसी में मिठाई बांटते हैं तो पर वो आता उसको ये उधर क्लास में और क्लास में ओनली 60 मिनट यहाँ तो इतने सारे वहाँ तो 60 ही बच्चे होते थे उन 60 बच्चों में भी उसका एक 30 ही नहीं आता था 30 के अंदर एक नहीं था उसका मतलब 60 बच्चों में सोचो जो 30 में नहीं आ पा रहा वो कैसे स्टूडेंट होगा और उसके बाद 11th क्लास में आने के बाद उसने मेरे से हर 2 दिन में पास आ जाता जैसे मुझे बताओ मैं क्या करूँ और मैं उसको थोड़ी सी गाइडेंस देता कि ऐसे कर ले थोड़ा बताया उसको पर अच्छी बात ये थी कि वो करता था उसे होता बहुत मुश्किल से था पर वो करता था क्लास में भी हर क्वेश्चन को दोबारा पूछने वाला वो स्टूडेंट था मैंने समझा दिया पूरा कि सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा
और ऐसा कोई वही नहीं कि उसने पूछा ना, तो पूरी क्लास उसको पूछती है ताली बजा करके दी को एक्सटर कहता था, जैसे होता है जनरली कि एक्सटर पूछता है कहीं उसको लगता है कि ये तो पूछेगा पूछेगा तो लोग उसकी ताली बजा देते हैं ऐसे ही। तो जैसे जैसे 11th क्लास में उसने निकला तो 11th क्लास के एंड तक जाते रहते, वो ये हुआ था कि टॉप 30 आ गया था बस, इतनी उसकी इस मेहनत से वो 20 में 25-26 ये रैंक आ गई थी उसकी। 60 बच्चों को ली, मैं 600 की बात नहीं करूँ, 6000 की बात नहीं करूँ, सिर्फ 60 बच्चों की बात करूँगा, 60 बच्चों में वो 25-26 रैंक पे आ गया था 11th क्लास के एंड होते होते। फिर 12th क्लास जब स्टार्ट हुई तो 12th क्लास में उसने फिर से मतलब उसी तरीके से मेहनत करता रहा, तो 12th क्लास का एंड आते आते वो टॉप 10 में आ गया था। एंड आते आते मतलब नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, वो टॉप 10 में आ गया था, अभी भी टॉप 5 में नहीं था। फिर बीच में फॉर्म निकलते रहते हैं, कभी अलग अलग कॉलेज के फॉर्म निकलते थे उसमें, फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी फॉर्म निकला, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो बीच में अनाउंसमेंट होता था हमारी क्लास को, ये फॉर्म निकला फिल कर दीजिए, तो होने वाला है तो अकेला बच्चा तो आईआईटी खड़गपुर में गया, वो जो उसको चिढ़ाते थे उसको ऐसा समझते थे वो सारे एनआईटी में, वो खुद अकेला आईआईटी खड़गपुर में। और अभी 2022 में 22 से पास आउट हुआ है वो, मैं 2018 में उसको पढ़ाता था, और अभी पास आउट होने के पहले उसका प्लेसमेंट हो गया एक अमेरिकन कंपनी डेलोइट, तो उसका 12 अगस्त जो गई ज्वाइनिंग था उसका, तो उसने मुझे उस दिन भी फोन किया था सर मेरा वहाँ ज्वाइनिंग है मैं वहाँ जा रहा हूँ वहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, उसने डिटेल बताया कंपनी का पेज बताया सब बढ़िया उसका, पर अभी वो कल उसका फोन आया तो बहुत खुश था वो, बोला सर मतलब मुझे खुद को नहीं लगता था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊंगा, कि जब वो पढ़ता था समझते थोड़ी क्लास थी उस पर, मतलब खुद भी ऐसा था कि सर मैं तो मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा, पर मुझे कर नहीं आएगी, मतलब बोलते भी सर मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा बस मुझे आईआईटी में ही जाना है, तो बोलता था वो मेहनत करता था और बिल्कुल बिलोगे मतलब उसके मार्क्स आते नहीं थे, पूरी क्लास सरप्राइज थी कि वो अकेला बंदा आईआईटी में गया, अकेला बंदा जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं करता था, पर वो लगातार मेहनत करता रहा वो पहुंच गया, और वहां से आज वो डेलोइट कंपनी में गया और वहां भी उसका वो है कि बहुत जल्दी प्रोफाइल उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वो वहां भी मेहनत करता है, वहां भी टीम लीड कर रहा है और आगे जाके बहुत आगे जाने वाला है। तो ये आपको बता रहा हूँ मैं कि कुछ लोग सोचते मन में मान के बैठती है मैं क्या ये तो बुरा हुआ है तो बहुत सारे लोग मन में सोचते थे कि मेरा तो होगा ही नहीं या मुझसे तो होगा ही नहीं, तो ऐसा सोचते हैं तो ठीक है अगर आपको मानते हो सर कोई बात नहीं, पर आपकी मेहनत तो चालू रखो, क्योंकि मेहनत तो भले जाता ही नहीं जाता ही नहीं, मुझे अभी तक लोगों के चेहरे याद आते जो उसको हंसा करते थे पूरे पूरी क्लास के जो स्टूडेंट थे हंसते थे पूरे टाइम, मतलब हमेशा उसको इतने से चिढ़ाते हुए रहते थे, टेस्ट में भी जब वो लास्ट में आते थे टॉप 10 में आ गया था तो भी मैं 10 बच्चों की क्लास अलग से भी लेता था, कई बार 10 बच्चों का अलग, क्योंकि उनको इसमें से डाउट देने पड़ते थे कि उस लेवल पे आ गए थे वो लोग, तो उनको अलग से डाउट देता था, तो वो उस टाइम उसकी मजाक उड़ाते रहते हैं सर ये तो आईडी में जाएगा सर वो तो एग्जाम करनी है इसको भी जेई मेंस की तैयारी करनी है सर जेई मेंस से निकाल देंगे, मतलब उसकी मजे लेते थे, तो वास्तव में ये हुआ कि वो अकेले आईडी में गया, वो अकेले आईडी में, मतलब ये बात मैं इसको सुनता हूँ कई लोग सुनाता हूँ और उसको कल मैंने बोला भी तो कल बोला भी कि मैं भाई तुझे मैंने वो बना रखा आईडी तू जा रही क्लास में डिस्कस करता हूँ, वो बोलता कह रहे सर ये अब ऐसे किसी कर दो, मैंने कहा तेरी बात भी करूंगा किस दिन में उसकी बात भी मैं आपसे किसी लगेगा तो आपसे वीडियो उस कॉल पे बात भी करूंगा कभी अभी तो ऑफिस में हो, तो मतलब उसका ऐसा है कि मतलब बिल्कुल नीचे जोड़ के ऊपर गया है, वो खुद मानता है कि सर मैं आई नहीं सकता था, पर वो जो मेहनत करके आप डेली करवाते रहे उससे कि डेली बोलते रहे कि ये करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, मैं उसको पिच करता था बार बार उसमें मेहनत करो और मैं बता रहा हूँ आपको आईआईटी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं,
और वो जो मेहनत करने की आदत है ना वो बहुत आगे ले जाएगी। मेहनत एक मेहनत होता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, वो नहीं मेहनत नहीं, मेहनत कैसी एक गोल को सामने रख के, मेहनत कौन सी गोल को सामने, मजदूर होता मजदूर बोलते रहता है ये चुड़ाई करनी है करना थोड़ा थोड़ी करनी, उसको पता नहीं रहता वो करता रहता, उसका दिमाग लगा रही नहीं, पर तुम्हें दिमाग भी लगाना है, मेहनत भी करनी दिमाग भी लगाना है, मतलब जो तुम्हें सोचते कि ये करना है तो ये करना है स्मार्ट वे में कि हमें ये करना है, मतलब उसी में आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि इसको मिनिमम टाइम में कैसे करें, और उसके लिए आपको काम होना चाहिए कि परफेक्टली करना भी है और अपने टाइम भी बचाना है और उसको कंप्लीट भी करना है, तो ये हर बार सोचना है, एक दिन का काम नहीं है कि आपने आज का लेक्चर खत्म कर लिया खत्म हो, नहीं आपको तो एंड तक की प्लानिंग करनी, प्लानिंग मतलब हर दिन प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग नहीं कि टाइम टेबल बनाकर चिपका दे दीवार पे, वो कोई देखता ही नहीं, कभी वो सिर्फ दुनिया को दिखाने बाबू को दिखाने मम्मी को दिखाने के लिए होता है, फोटो वीडियो को दिखा देते कोई टाइम टेबल मेरा इतना बड़ा टाइम टेबल है, मैं उठता हूँ इतने सोता हूँ इतने इतना आठ कई लोग 15 घंटे टाइम टेबल बनाते हैं, 15 घंटे पढ़ाई करता हूँ, घर वाले भी उसमें इतनी मेहनत करता है तो वो एक्स्ट्रा कुछ भेज लेट बना भेज देते हैं क्या, मेहनत बहुत करता है, कुछ लोग टेंशन में आते रहते हैं कि अरे मम्मी फोन करती बेटा इतना कुछ खाता है कि नहीं खाता, 15 घंटे पढ़ाई करता है उनको क्या पता कि वो बस टाइम टेबल लगा के सोता है, ठीक है ना, तो ऐसा सोचता है लोग हैं, तो ये काम तो जिद्दी वर्ग का एक दिन की बात नहीं है, मतलब कहीं भी पहुंच जाओ रास्ता कहीं से निकल जाएगा, कहीं भी लेट अभी कोई नहीं, आपके लोग लगता है सब तो लेट हो गया अब तो नहीं होगा कुछ, कोई बात नहीं लेट कहीं भी नहीं होता, हमें लग रहा है कि हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं सामने वाले से देख रहे हैं, और आगे जब देखोगे थोड़ा आगे के सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर तुम ये मेहनत कर लोगे IIT ना मिला तो भी बहुत आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो IIT है ही नहीं वो बहुत ऊंची जगह पे, मैंने आपको एक पॉलिटेक्निक वाले का एग्जाम्पल दिया था, आपको नहीं दिया ऊंची क्लास में गया होगा इतनी क्लास है, मतलब एक मेरे फ्रेंड था वो भी बहुत पूरे फैमिली से था, तो उसने जिनकी तैयारी तो करी हमारे साथ पर उसका हुआ नहीं, उस टाइम तो हमारे टाइम तो IIT तो मतलब बहुत कम लोग जानते थे, IIT तो सोचते नहीं थे, PET होती थी उसने राजस्थान की, वो तो वो नहीं हुआ था उसका, उसके उसने पॉलिटेक्निक करी, पॉलिटेक्निक कोटा पॉलिटिक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करी उसने, और अभी वो जिस कंपनी में कंपनी का नाम भी सुन लो वो 6 कंट्री का हेड है, उसमें 6 कंट्रीज का हेड है, वो क्या किया तो सिर्फ पॉलिटेक्निक, पर वो जो मेहनत करने की आदत होती है ना वो लगातार काम करता रहा वहाँ, उसने भाग के काम किया, उसकी स्टार्टिंग आप सैलरी सुनोगे स्टार्टिंग में सैलरी उसकी थी सिर्फ 14,000 रुपये की सैलरी थी, सिर्फ 14,000, आज उसकी सैलरी है 4,500 रुपये मीटर, और मतलब वो वर्ल्ड के 14 कंट्रीज घूम चुका है, 14 देशों में वो घूम चुका है, और 6 कंट्रीज का तो हेड है, तो उसका आना जाना चलता रहता है, नोएडा में रहता है, नोएडा में उसका तो मतलब उससे बात भी नहीं होती, उससे बात अभी मतलब 12-13 साल बाद कॉल आया था उसका, पहले बात हुई थी उसके बाद वो फॉरेन टूर पे रहता था पूरा, अभी मेरे पास कॉल आया था उसका, तब जाके उसने उसने सर डिटेल बताई थी, उसने बताया था प्रोफाइल, तो बीच का मुझे पता था बीच में तो चला गया था बाहर, पर इतना बड़ा वो पोस्ट पे आ गया मुझे पता था, फिर मैं फेसबुक पे देखा उसने थोड़ा प्रोफाइल, तो वही बता रहा हूँ आपको, तो ये कोई वो नहीं है कि आपने IIT कर लिया तो आपको जीत गया, आपको कुछ नहीं करना, करना हमेशा है, मेहनत हमेशा ही करनी है, आप कहीं पहुंचो, आज मोदी जी इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया तो मेहनत मेहनत कई गुना उसकी, शायद आपको लगता नहीं होगा वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत किस लेवल पे कर रहे हैं वो सोच ही सकते कि यहाँ किस लेवल पे मेहनत होती है, आप सोच ही सकते होती है, हम अनुमान नहीं लगा सकते उनकी मेहनत का, कोई भी हो चाहे वो तुम्हें बुरा लगता हो चाहे तुम्हें अच्छा लगता हो, कोई भी राहुल गांधी हो तुम्हें लगता हो यार ये क्या कुछ की पागल आदमी है, पर नहीं भाई सब उनकी मेहनत देखो, आप कई लोग होते हैं कांग्रेस के अपोजिशन वाले गुस्सा लोग होंगे पर उनकी मेहनत देखोगे आपने देखोगे जब से कई लोग अब तो इतने टाइम से देख लो इतनी देरी कर रहे हैं वो, एक आदमी जिसके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज उनके पास पैसे की कमी हो रही है उनके पास वो जो कह रहे हैं वो हो जाएगा चाहे वो अपोजिशन में हो या कहीं भी नहीं हो, आज उनके पास इतनी पावर भी है तो जो चाहे वो हो जाएगा, उनके मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने हुए इतने सालों पर वो आदमी रोड पर घूम रहा है और लोग उनको गले भी दे रहे हैं